Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। और मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी खुश रहें, मज़े में रहें और आज का मौसम इन्जॉय करें। आज क्या खूब मौसम है, इसीलिए सुबह सुबह उठते साथ ही मैं ना ऊपर आ गई। मैंने सोचा सुबह सुबह ताज़ी हवा खाऊँगी, इतना प्यारा मौसम देखूँगी तो दिन ही अच्छा गुजरेगा, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के ऊपर आ गई। मैं और मैरिन बजी थी मेरे साथ, तो हम लोग सुबह सुबह छत पे आए और क्या यार हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था। इतनी गर्मी के बाद जब इतने मज़े का मौसम होता है, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सबके साथ होता होगा ऐसा, मैं अकेले के साथ थोड़ी ना होता है। आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े की हवा चल रही थी यार, सुभान अल्लाह। अब जी मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि बारिश के कतरे मेरे हाथ पर गिरेंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है शायद कैमरे में, लेकिन बहुत बारीक बारीक कदियाँ पड़ी थी, लेकिन हो रही थी बारिश, तो मैं चेक कर रही थी कि मेरे हाथ पे गिरती है कि नहीं। ओके जी, तो आज हमने बनाने थे नान। तो ये देखें जी आटे की शक्ल, अब ये राइस हो गया है काफ़ी, अब इसको मारेंगे हम मुक्का ढूज। अच्छा, मेरे साथ पता क्या होता है कि मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ये ना इस कैसे पापड़ी सी बन जाती ना, ऊपर से सूख जाता आटा। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑयल भी लगाया था और कपड़ा रखा था, फिर भी ऐसा हो गया, आई डोंट नो। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको अभी दोबारा से मिक्स कर देंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब बनाते हैं इसके पेड़े और स्टार्ट करते हैं नान बनाना, क्योंकि सबको बहुत भूख लगना शुरू हो गई है। ओके जी, ये देखें जी हमारा पहला नान तैयार हो गया। अच्छा, कोई ये ना कहे कि सारा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको पहले सर एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर किसी ने देखना तो वहाँ जाके देख ले। यहाँ पे रखे हैं मैंने चने, ये चने गर्म हो रहे हैं, ये आखिरी नान रह गया था तो तब चने रखे थे। ये मैंने अपने लिए क्रिस्पी नान अलग कर लिए, क्योंकि मुझे ना नरम नान अच्छे नहीं लगते, बाकी सबको जो ना थोड़े नरम अच्छे लगते हैं नान। ये जी हमारे खूबसूरत से चने तैयार थे, इतने प्यारे लग रहे थे और इतना मज़ा आया ना नान और चने खाने का, हा हा लग रहा था बाजार के, लेकिन हमने घर में बनाए थे सारा कुछ। ये जी देखिए कैसे धुएँ निकल रहे, और ये मेरा क्रिस्पी नान, शक्ल कितनी प्यारी लग रही है ना, वाह वाह वाह। ये जी कमाल है जी, मरियम शेफ़ का और गुड़िया शेफ़ का। तो हम सब ने यहाँ पे बैठ के बड़े मज़े से नाश्ता किया, और फिर उसके बाद हमने कुछ काम करने थे वो किए, और काम करते करते ना कुछ पुट्ठा काम ज़रूर हो जाता है, मेरे से तो हो ही जाता है। ये जी मेरा दराज जो है ना वो निकल के बाहर आ गया, रीलिंग वाला दराज है, और वो पता नहीं क्यों ऐसे ख़राब होकर मुझे समझ नहीं आई, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, शायद उसमें वज़न कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने हर दराज में, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ आया मैं किधर रखूँ, तो वो मैंने दराजों में रखी हुई थी, तो उस वजह से शायद वो ख़राब हो गया। अब यहाँ पर मैं उसमें से चीज़ें कम कर रही हूँ, ये मेरी शादी के कार्ड्स हैं जो मैंने संभाल के अभी तक रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समेट ली थी, काम शाम ख़त्म कर लिया था, अब मैंने कपड़े निकाल थे नहाने के लिए, और मैं बैठी थी थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, मैं थक गई थी बहुत, क्योंकि सुबह नान भी बनाए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये देखें दराज, इसको मैंने ना फिक्स कर दिया फ़िलहाल, अभी इसको छेड़ना नहीं है, इसको ज़्यादा खोलना नहीं है, ताकि ये ना अपनी जगह पर ही रहे, ख़राब ना हो। ऐसे भी उसमें ज़्यादा काम की चीज़ें तो पड़ी नहीं हुई हैं। और यहाँ पर मरी मर्जी लगी हुई थी अपना, पता नहीं कौन कौन से सामान खोल के बैठी हुई थी, चेक कर रही थी सारा कुछ, तो लगी रहो। फिर जी हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी, तो मैंने कहा कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, तो ऐसा है कि ना जो सुबह हमने नान बनाया था ना, उसका एक पेड़ा मैंने बचा लिया था उस डो में से, तो यहाँ पे ना मैंने और मरियम जी ने सोचा यार हम इतना कुछ कर रहे हैं तो एक ना ट्राई करते हैं, हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने घर की ही वो चीज़ बनाई थी, जो कि मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वो इतनी परफेक्ट रेसिपी नहीं थी, मैं खुद ट्राई करती, फ़र्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करते, तो यहाँ पे हमसे गलती भी हुई, बस हमारा पिज़्ज़ा जो है ना बस बन गया, हमने एवं ट्राई की थी कि चलो यार बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। मेरे से चीज़ बनाने में भी गलती हुई थी थोड़ी सी, वो मैं दोबारा इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो अगर वो सही बने तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सही चीज़ दिखानी चाहिए यार, कोई आपको फॉलो भी कर सकता है, कोई वो चीज़ बना भी सकता है, तो सही ना बने तो लोग एवं जिगालियाँ देते, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो यहाँ पर अब हमसे गलती ही हुई थी कि ना हमने इसको फ्राई पैन में जब रखा था ना, तो एक साइड को थोड़ा सा पका के फिर दूसरी साइड पे हमें ये सब कुछ लगाना था, हमने क्या किया कि पहले ही वो ऐसे डाल के और उसी के ऊपर हमने लगाना शुरू कर दिया, कि ये हमें ये था कि ऐसे ये बन जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास अच्छा पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो हमने ना हमने गार्लिक सॉस और टमाटो केचप जो है ना उसको मिक्स जी देख लें, हम उसके ऊपर टमाटो केचप डाल रहे हैं, पहले हमने गार्लिक सॉस डाली थी। अच्छा पता क्या, हम जब
तो हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो हम कहते हैं यार कुछ कुछ कर लें, हम कोई चीज़ ट्राई कर लें, कोई नई रेसिपी ट्राई कर लें या कुछ। तो हमने इस वजह से ना ये ट्राई किया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बना। अच्छा, काफ़ी हद तक बेहतर था, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अच्छा, चीज़ जो है ना वो मैंने मोज़रेला चीज़ घर में बनाई थी, उस मोज़रेला चीज़ को मसला ये था, चीज़ को जो ये मसला था कि वो अपनी जगह पे सेट नहीं हुई थी अभी, उसके स्ट्रिंग्स तो उसके बन रहे थे लेकिन वो बिल्कुल सेट नहीं थी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज बाकी था। तो अच्छा, खैर टॉपिंग कर रहे हैं अब हम इसकी। हमने कॉर्न डाले, हमने बॉइल्ड चिकन डाला और उसके ऊपर बेल पेपर डालेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हमने चीज़ डाली, वो मैंने दिखाया ही नहीं बस किसी वजह से। खैर अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपना वो जैन बनाया हुआ था कि ना जिस तरह हमने नान बनाए थे ना, उनको ऊपर तवे को ऐसे उल्टा कर दिया था और वो बन गया। इसको तो ऐसे नहीं कर सकते, हमने सोचा कि शायद तवे को हम ना करेंगे ऐसे गर्म करके उसके ऊपर रखेंगे तो मे बी वो ऊपर से सही रेड रेड हो जाए जैसे होता, लेकिन वैसे नहीं होनी। ओके जी, तो अब जी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, ये लें इसकी फाइनल लुक। इतना अच्छा नहीं बना और इतना बुरा भी नहीं बना। खैर फिर बनाएंगे अच्छे रेसिपी के साथ। तो अब हम रात का खाना खाने लगे हैं और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मैं आज बहुत थक गई हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।